तालियां बजाएं एक बार सारे साथी जोरदार तालियों के साथ। मान सम्मान करें माननीय राजधान सिंह जी का और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। और भाई यहां से मैं जयकारे लगाऊंगा, बोलिए चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, राजधान सिंह की, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जोरदार तरीके से मान सम्मान बहुत जोश और खरोश के साथ आपके बीच में चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को और माननीय रामदान सिंह जी को आपके बीच में लाया जा रहा है। और साथ में हम आपके बेटे आपके अजीज अक्षत राम जी भी हमारे बीच में उनके साथ पहुंच रहे हैं। भाई बहुत जोरदार तरीके से मान सम्मान के साथ हमारे बीच में लाया गया। अब आपके बीच में मंच पर विराजमान, मैं एक बार जोरदार तालियां बजाए चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए, भाई जोरदार तालियों के साथ जोरदार तालियां और भाई जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, राजधान सिंह की। भाई जोरदार तालियां बजा करके मान सम्मान करें जोरदार तालियों के साथ, अभिवादन स्वीकार करें माननीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और रामधाम सिंह जी का। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, सारे साथी बैठ जाएं अपने स्थान पर और भाई बाकी मंच से एक बार हट जाएं सारे साथी, भाई एक बार मंच खाली करें। अब मान सम्मान की कड़ी में आपके बीच में लेकर के जी मुंशीराम सैनी जी, अखिलान सैनी जी खरीद कर रहा हूँ आपके अपने लाडले भाई अक्षत राव को, कृपया वो आए अक्षत राव, कृपया आप सभी मत से नीचे चले। मैंने राव अक्षत को आमंत्रित कर दिया है, वो अपना छोटा सा संबोधन आपको देंगे। मैं विश्वास से आपको मैं कह सकता हूँ कि इस पंचवर्षीय योजना में आईएमटी खुदाना का सपना 100% पूरा करने का काम करेंगे और हमारे युवाओं को उनका हाथ दिलाने का काम करेंगे। मैं आप सब लोगों को बस चंद ही एक आखिरी लाइन के अंदर, क्योंकि मैं जानता हूं सब बहुत सारे वक्ता मेरे बात बोल रहे हैं, थोड़ा समय की दिक्कत है। साथियों हमारे शहर के अंदर पिछले 10 साल से विकास के तो बहुत बड़े कार्य नहीं हो पाए। अगर बात करो हमारी तरक्की और विकास की, हमारे महेंद्रगढ़ का तरक्की और विकास की मदद करेंगे, जोरदार तालियों का स्वागत कीजिए। भाई रमेश सैनी चेयरमैन साहब के नेतृत्व में पूरी नगर पालिका रावदान सिंह जी के साथ जुड़ गई है, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका। बोल भारत माता की, भारत माता की, दीपेंद्र हुड्डा की, माननीय भाई दीपेंद्र हुड्डा की, रावदान सिंह की। बहुत ही मान सम्मान के योग्य हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक रावदान सिंह जी, मंच पर उपस्थित अन्य नेतागण, मेरे सामने बैठे महेंद्रगढ़ की पूरी सरदारी, प्यारे माताओं बहनों और सभी समाज के आए लोग प्रभुजनों, यहाँ आने पर सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से 2 वर्ष पहले एक नगर पालिका के चुनाव हुए थे, उस दौरान हमारे पूरे शहर ने एक बड़े विश्वास के साथ हम सबको, मुझे व सभी पार्षद महोदय को बहुत ही उससे शहर के विकास के लिए चुनकर विश्वास से भेजा था। लेकिन पिछले आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल के दौरान हम पार्षद होते हैं सरकार की कुछ नीतियों के कारण हम विकास कार्य नहीं कर पाए। शहर के अंदर बहुत सारी आज देख पा रहे हैं कि बहुत सारी विकास की कमी है, आने वाले समय हमारा होगा, क्योंकि आज हम सभी पार्षद और मेरे सभी ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन किया है। आगे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के विधायक रावदान सिंह के, हम तन मन धन से उनका सहयोग करेंगे और
उनका जिताने के लिए एक सबसे बड़ी शायद हरियाणा की सबसे बड़ी जेल हो, ऐसा हम प्रयास भी करेंगे। कैसे साथियों कि हमारा उद्देश्य इसमें सिर्फ नहीं है कि सिर्फ हम बीजेपी को छोड़ा है और कांग्रेस विवाद कर रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ शहर का विकास है। अगर शहर का विकास आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में और यहाँ के विधायक रामदान सिंह जी आगे आने वाले समय में वो उप मुख्यमंत्री बनकर हमारे बीच में रहेंगे और वो शहर के विकास के अंदर चार चांद लगाने की कोशिश करेंगे। और आगे आने समय हमारा होगा, महेंद्रगढ़ का होगा, महेंद्रगढ़ के अंदर आने वाले समय में हरियाणा में मुझे लगता है सबसे आगे आने वाले विकसित क्षेत्र के अंदर में इसी को हम देखना चाहेंगे। और मेरा विश्वास है भाई रावदान सिंह जी और भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री नेतृत्व में शहर को नई दिशा के ले जाएंगे, विकसित करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय। अब मैं बीच आपके बीच आमंत्रित कर रहा हूँ कल से, कृपया मंच से साइड में हो जाएं। आपके अपने प्रिय रावदान सिंह जी आपको संबोधित करेंगे, शांतिपूर्वक सुने सुने और मंच से साइड में हो जाएं। भाई ये मंच पे सुने भाई, उनसे मेरा निवेदन है कि शांति का दान दें। देखिए कई घंटों से आप इंतजार कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूं आपकी परेशानी। एक मिनट मंच को व्यवस्थित होने दो यार, मंच है मंच है, नीचे नीचे। लोकप्रिय सांसद पांचवी बार, पहला कीर्तिमान लगातार संसद से बनने का, युवा हृदय सम्राट, युवाओं की आवाज और युवाओं की प्रेरणा हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, उनके साथ ही मंच पर विराजमान हमारे यहाँ के लोकसभा के अंदर नौ की नौ सीटों के ऑब्जर्वर श्री लेखरा जी, महेंद्रगढ़ म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन भाई रमेश सैनी जी और सभी पार्षद, सारे के सारे पार्षद मंचासीन है। और मैं इन सबका धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं कि एकजुटता के साथ आपने आके यहां पर समर्थन दिया। उपस्थित मेरे पितातुल्य बुजुर्गों, सम्मानित मातृशक्ति, नौजवान साथियों, प्यारे भाइयों, पत्रकार बंधुओं व सम्मानित मंच, क्योंकि मंच की व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि सभी जो वरिष्ठ नेता है उनके नाम से आज नहीं बोल पाए, तो इससे बेहतर यह है कि सम्मानित मंच कह के हम इसको एड्रेस करते हैं। सर्वप्रथम तो मैं दीपेंद्र जी का महेंद्रगढ़ आगमन पर उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और यह विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास से आपने हरियाणा के इस कोने से उस कोने तक पद यात्रा, बस यात्रा और वर्कर्स के साथ में यात्रा को संपन्न किया है, उसका आज परिणाम देखने के लिए मिल रहा है। पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस की एक लहर चली हुई है, जहां इस कोने से उस कोने तक एक आवाज आती है कि कांग्रेस बहुत बड़े मार्जिन के साथ में सत्ता स्थापित कर रही है, आपकी सत्ता बनने जा रही है, आपकी सरकार बनने जा रही है। हम बीजेपी की तरह से 75 पार का नारा नहीं देते, क्योंकि उन्होंने 75 पार का नारा दिया और 40 पर रुक गए। हम सच्चाई के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन मन से बताना चाहते हैं कि 75 से भी कहीं ऊपर जाकर के आपका टिकेगा, इस तरह के हालात आज प्रदेश के अंदर बने हुए। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वो 10 साल का राज और 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का, इन दोनों में अगर आप तुलना करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको उस पैमाने पे साबित होना पड़ेगा कि कांग्रेस राज ही ऐसा था जिसने इस प्रदेश की तरक्की और विकास के अंदर हमारी मदद की। सम्मानित दोस्तों और बुजुर्गों, प्रजातंत्र में मतदान सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ी ताकत होता है, वही जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है।
जो 5 साल बाद हर नुमाइंदे को हर सरकार को अपनी एक कसौटी पर खड़ा उतरता हुआ देखना चाहती। पिछले 10 साल में आपने देखा होगा कि भाजपा की सरकार पहली बार किसी स्पष्ट बहुमत के साथ में केंद्र में बनी और एक बार हरियाणा और एक बार अलायंस के साथ में यहां सरकार बनाने में सफल हो पाए। सरकारें बदलती रही, नेता बदलते रहे, पार्टियां बदलती रही, मंत्री मुख्यमंत्री बदलते रहे, लेकिन किसी समय भी इस तरह के चुनाव का आपने एक आवाज नहीं सुनी होगी जो आपकी बार सुनी जा रही। क्यों? क्योंकि 10 साल में जो कांग्रेस थे सत्ता लेने के बाद भाजपा ने जो संपर्क दिखाए थे वो सब चकनाचूर हो गए, जो वादे किए थे वो टूट गए, जो इन्होंने लुभावने नारे दिए थे वो खत्म हो गए और आज इस प्रदेश का एक एक भाई चाहे कर्मचारी चाहे व्यापारी चाहे किसान चाहे मजदूर हर व्यक्ति अपनी बदहाली पर परेशान। ये हरियाणा जिसे कृषि प्रधान प्रदेश कहा जाता है उसके अंदर किसान की दुर्दशा क्या हुई थी, वो 13 महीने जब दिल्ली के अंदर आंदोलन चला था और 700 किसानों ने साथ दी थी, इस सरकार को मजबूर होकर अपने कानून तो वापिस लिए लेकिन एक शब्द उन 700 किसानों की मौत के ऊपर नहीं कहा। जहां तक जवान का सवाल है, आपने देखा होगा कि इस इलाके के अंदर हर 10वां व्यक्ति अगर मैं कहूं हरियाणा से और इस क्षेत्र से तो मैं समझता हूं 7वां 8वां होगा तो अतिशयोक्ति नहीं। उस रेगुलर भर्ती को खत्म करके अग्निवीर नाम की एक योजना चलाई जो मात्र 4 महीने की टेम्परेरी नौकरी है, जिसे 100 आए तो 75 को रिजेक्ट करके वापस भेज देंगे, 22 उनके पास रहे और 22 में 4 साल की नौकरी करने वाला व्यक्ति अगर आ भी जाता रिजेक्ट हो गए वापस तो उसको कोई रिटायरमेंट का बेनिफिट नहीं, उसको कोई पेंशन नहीं, उसके फ्यूचर में जॉब सिक्योरिटी नहीं और दुर्भाग्य से वो कहीं देश के काम आ गया, कोई घटना घट गई तो उसको कोई शहीद का दर्जा नहीं। क्या इन्हीं दिनों के लिए हमने अच्छे दिनों की मांग की थी? दोस्तों, इससे आगे आपने देखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस तरह की बेटी बचाई है किस तरह की बेटी पढ़ाई है इससे आपने इससे ज्यादा कोई नहीं जानता। जहां तक संविधान की बात आती है इन्होंने उसे भी तोड़ने मरोड़ने का प्रयास किया, ये तो शुक्र है आप लोगों की सद्बुद्धि ने काम किया और विशेष तौर पे मैं श्रेय देता हूं मेरे एससी भाइयों को जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक लाइन के साथ में ये बता दिया कि हम 400 से 240 पे टिका सकते हैं। वही एससी भाई अब हरियाणा को भी ये बता रहे हैं कि जो 40 का इनका आंकड़ा था उसे हम 10 पर टिका सकते हैं, ये माहौल हरियाणा के अंदर आज बना हुआ। दोस्तों, हमारे लंबी अब यहां से रेस है, मैं ज्यादा कुछ लंबा नहीं कहूंगा, मैं तो इतना ही कहूंगा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो हरियाणा का विकास किया और विशेष तौर पे मैं महेंद्रगढ़ का जिक्र करता हूं, आज महेंद्रगढ़ में चारों तरफ से नजर मारेंगे तो आप एक ही चीज नजर आएगी, सिर्फ कांग्रेस के टाइम के किए हुए विकास कार्य। आज सबकी नजरें महेंद्रगढ़ के ऊपर लगी हुई है क्योंकि हम पीड़ित हैं और हमने देखा है कि जिले का नाम महेंद्रगढ़ हेडक्वार्टर एट नाम रोड पहली 97 ईस्वी से थी। प्रयास करेंगे समय आएगा आपकी आवाज के मुताबिक आपकी भावनाओं के मुताबिक उसका निश्चित तौर पे एक समाधान ढूंढा जाएगा। उसके बाद आपने अनेकों बार यहां पर शुरू की और बंद कर दी, IMT खुडाना था, मेडिकल कॉलेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी था, सेंट्रल स्कूल सेंट्रल यूनिवर्सिटी था, महेंद्रगढ़ मानेसर रोड था, महेंद्रगढ़ का रिंग रोड था, ये बहुत सी चीजें जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम पे DPR DNIT तैयार करके छोड़ दी गई। दुर्भाग्य से सत्ता परिवर्तन हो गया और सारी बातें पेपर में रहेगी। मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा एक विकास पुरुष और भाई दीपेंद्र जैसा एक उसको परस्यू करने वाला नेता मैं समझता हूं हरियाणा में कोई दूसरा हो नहीं सकता। आज जो बातें हमारे हुई है वो हमने भाई दीपेंद्र जी ने एक आंखों से देखी है, इसलिए आपसे यही कहूंगा कि वक्त की नजाकत और हालात को समझना, मछली की आंख का निशाना रखना, अनेकों लोग आएंगे बहकाएंगे लेकिन उनकी उस बात पे जाने का अर्थ नहीं है। जो अपनी ताकत को नहीं पहचान सकता वो दूसरे को भी नहीं पहचान पाएगा। एक भूल एक चूक हमसे पिछले पार्लियामेंट के चुनाव में हुई लेकिन मुझे गर्व है इस बात का
कि मेरे भाइयों ने उसको दिल से रियलाइज किया और आज उसका माहौल देख रहा हूं कि अब की बार वो चूक नहीं होगी हमसे। इसलिए मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप लोगों से अपेक्षा करूंगा कि भाई दीपेंद्र जी जो बात कहे उस बात को ध्यान से सुनना और उसके बाद यहां से शांति से अपन उसके रोड शो के ऊपर चलेंगे। सतनाली मोड़ के ऊपर भारी भार हो लेना, वहां से चलते हुए रास्ते में लोग सम्मान करते जाएंगे और एक रैली एक मीटिंग सतनाली के अंदर आयोजित की गई है वहां पर जाके इसका समापन करेंगे। इसलिए मैं सारे भाइयों से कहूंगा चलने में लापरवाही ना बरतना, गाड़ियों के काफिले के अंदर कई बार गलतियां हो जाती हैं, बहुत ध्यान से आपने चलाना है, बहुत तेज और रैश नहीं चलाना है, ये मेरा आप सबसे निवेदन है। इन शब्दों के साथ मेरे को भाई रमेश जी चेयरमैन और इनकी समस्त मतलब जितने भी कमेटी है उन्होंने जो समर्थन दिया है मैं उसका तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि जो जो आशाएं आपने की थी इस महेंद्रगढ़ के विकास के लिए, भगवान ने चाहा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे, कांग्रेस की सरकार होगी और आपके सपनों को पूरा कराने में हम कामयाब होंगे, ये मैं गारंटी कह सकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।